हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेयू डिजिटल क्लासेस। माय नेम इज धीरेंद्र भारती। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आई एम टीचिंग बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट इन द एसकेयू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हम एसकेयू डिजिटल क्लासेस में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इन दिस पीपीटी वी विल डिफाइन अबाउट टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग क्या है और मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए ये है कि जब आप इस पीपीटी को देखोगे तो लर्निंग आउटकम में स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। देन आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डेवलप हुआ और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं, वो इस पीपीटी के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से आपको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग को सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि एक मार्केट है, मार्केट में दो लोग मिलते हैं, बायर और सेलर। मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गोइंग टू बी मीट एंड एक्सचेंज द सर्विसेज एंड गुड्स। ऐसे डिफाइन करते हैं कि मार्केट है, मार्केट में बायर अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है और सेलर आता है वहां पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए। अब मार्केट में दोनों लोग मिलते हैं और अपनी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट वो जो मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है वो कहलाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, उसकी कंट्रोलिंग कैसे करनी है, वो आती है मैनेजमेंट में। इसको समझते हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले पॉइंट आता है नीड्स एंड डिमांड की। कोर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका नीड एंड डिमांड की। कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या डिमांड है और कस्टमर कहाँ डिमांड कर रहा है, सबसे पहले ये समझना है। क्यों, क्योंकि उसी हिसाब से ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाएंगे जहाँ पर कस्टमर ने डिमांड जनरेट की है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो तरीका के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट ही बोलते हैं क्योंकि वो टेंजिबल है, और इंटेंजिबल को हम सर्विसेज भी बोल सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, एक पर्टिकुलरली मार्केट में क्या करते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन एंड द क्वालिटीज। जब आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया है तो उसको जिस मार्केट में आप बेच रहे हो तो उसकी क्या वैल्यू निकल के आई है, क्या सेटिस्फैक्शन निकल के आया है, और उसी सेटिस्फैक्शन के बेस पे आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट में और चेंजेस या उसकी क्वालिटी में क्या करोगे, सुधार करोगे। क्यों, क्योंकि जो फीडबैक निकल के आ रहा है, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन निकल के आ रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। उसके बाद आता है जब आप क्वालिटी को आप समझ जाते हो। अच्छा, एक इसमें एक्स जनरली ये भी ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन को हम ऐसे भी निकालते हैं कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट मार्केट में क्यों बिक रहा है। वो जो एनालिसिस होता है वो आपके सेटिस्फेक्शन या कस्टमर की वैल्यू या उसकी क्वालिटी के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है एक्सचेंज द ट्रांजेक्शन एंड द रिलेशनशिप। इसमें आता है कि अब आपने जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके एवज में कुछ ना कुछ क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनी की। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली डिज़ाइन इसलिए किया है कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके और दूसरा वो क्या करे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करे, वो उस माध्यम से बेच सके। दूसरा आता है आपका रिलेशनशिप। जब आप मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कस्टमर और सेलर जब मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो दूसरे एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमने लॉन्ग टाइम के लिए डिज़ाइन किया है, ना कि शॉर्ट टाइम के। बिजनेस की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करते हैं, तो हम मार्केट में लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट करने के लिए ही बना रहे हैं, तो वहाँ पर आती है एक गुड रिलेशनशिप बिल्डअप की।
इससे आपके रिलेशनशिप से एक चीज़ और भी निकल के आती है कि आपको मार्केट का एनालिसिस हो जाता है, और यही रिलेशनशिप आपको क्या रहता है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को रेफरेंस भी करता है कि इसका प्रोडक्ट खरीदने से आपको ये बेनिफिट है। तो आपकी एक ऑटोमेटिकली आपके मार्केट में प्रोडक्ट की क्या होती है, मार्केटिंग भी हो जाती है। उसके बाद अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अब आपने मार्केट को कैप्चर कर लिया है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मार्केट को देखना है। मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस से आपको दो चीज़ें निकल के आती हैं कि एक तो कस्टमर की डिमांड, और दूसरा निकल के आता है आपका कॉम्पिटिटर, कि मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन सा है जो आपके प्रोडक्ट के अनुरूप ही दूसरा प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में बेच रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो क्या होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से मार्केट हमारा क्या होता है, बदलता रहता है। अगर मैं बात करता हूं परचेसिंग पावर ऑफ द कस्टमर, तो उस हिसाब से भी क्या होता है, कस्टमर का जो हमारा मार्केट है वो क्या होता है, बदलता रहता है। अब बात करते हैं कि चॉइस ऑफ द कस्टमर की चॉइस जो होती है, उस हिसाब से भी हमारा मार्केट क्या है, बदलता रहता है। इसीलिए जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस का होता है। डायनामिक मींस क्या होता है, ये समय समय पर बदलता रहता है, और समय समय पर बदलाव होता है, इसीलिए क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट को भी उसके हिसाब से जनरेट कर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से जनरेट करना होता है। मार्केटिंग प्रोसेस इज द डिस्कवरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज। मार्केटिंग के प्रोसेस क्या है, जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिस्कवर करना है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, डिज़ाइन करना होता है। अगर मार्केट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को या सर्विसेज को डिज़ाइन नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और मार्केट में बिकेगा नहीं। सेकेंड आता है उसका, मार्केटिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेटेड कस्टमर। कस्टमर को क्या है, टारगेट करना है और कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है, तो ये भी क्या है, इसका एक नेचर बनता है मार्केटिंग का। मार्केट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटी इन द मार्केट। मार्केट क्या करता है, जब आप मार्केटिंग की नेचर की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, वेरियस एक्टिविटी को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। वेरियस एक्टिविटी के आपका मार्केटिंग मेथड क्या है, आप डायरेक्ट कस्टमर से मिल रहे हो कि होर्डिंग लगा रहे हो, या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, या माउथ टू माउथ कर रहे हो, मॉल में जा रहे हो, कैनोपी लगा रहे हो, तो ये क्या करता है, मार्केटिंग जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़ का क्या है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो आप मार्केटिंग की बात करते हो, तो मार्केटिंग में जो मार्केटिंग मिक्स आते हैं मैनेजमेंट में, उसमें ये आता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग और जो डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, प्रमोशंस, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी क्या होता है, इसमें डायरेक्टली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। फिजिकली इन्वॉल्वमेंट मीन्स इसमें कस्टमर फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है, और जो सेलर है वो भी फिजिकली कहीं ना कहीं रूप से इन्वॉल्व होता ही है। इसीलिए क्या है, इसका नेचर जो है वो एक डायनामिक है, और वेरियस इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज का भी ये एक नेचर प्रूव करके देता है। इसका एक नेचर और भी ये बहुत अच्छा बताता है कि ये क्या है, एक ऐसी क्रिएटिव थिंकिंग का जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, हमारा मार्केट जो होता है वो इंटरेस्टिंग बनता है। जैसे क्योंकि अब बात करते हैं कस्टमर की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कस्टमर हैं, जिनकी क्या है, अलग अलग चॉइस है, तो उसी चॉइस के हिसाब से हमको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी को भी बनाना होता है। जैसे कोई डोर टू डोर भी सेलिंग करता है, और कोई एक दुकान में रख के भी क्या करता है, बड़े लेवल पर सेलिंग कर सकता है, तो वो होती है उसकी क्रिएटिविटी, के वो कस्टमर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। फिर ये इसके नेचर्स हैं। नेचर्स में एक चीज़ और भी होती है कि ये हमेशा क्या होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, उनका टारगेट क्या है, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केटिंग ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को क्या करेगा, वो मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसको हमेशा क्या करते हैं, वो इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या हो, वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े।
एथिकली भी बोल सकते हैं कि मार्केटिंग का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, कस्टमर को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है, और एक एथिकली भी निकल के आता है कि जो उसका इमेज या जो मैसेज मार्केट में जाए वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिवली हो, नेगेटिव ना हो। जैसे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसका मैसेज जो होगा वो पॉजिटिवली हो उसको, क्योंकि मार्केट में हमको क्या है डिफरेंट टाइप्स के बायर्स मिलते हैं, जिसमें हमारा एज ग्रुप है कि वहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी है और हमारे यहाँ पे फैमिली मैन भी है। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो कि सब उसमें इंटरेस्टेड हो, ना कि उसको देख के ये बोले कि ये हमारे देखने लायक नहीं है। अब आते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी सिस्टम है, मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपकी मार्केटिंग को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। एक सिस्टम एक हायरार्की की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाने के लिए एक टीम तैयार की जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट में आता है हमारा प्लानिंग, कि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए मार्केट की रिसर्च, मार्केटिंग एंड मार्केट एनालिसिस, ये आपका आता है प्लानिंग में। जब आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो मार्केटिंग की तो फिर आपके लिए वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि अब आपने प्लानिंग कर ली है कि आपको एक प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च करना है या एज पर द डिमांड ऑफ मार्केट आपने डिसाइड कर लिया है। अब आपको क्या होता है उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, कि आपको एक सिस्टम में एक सिस्टम ऐसा बना के चलना है कि आपका प्रोडक्ट सिस्टमेटिकली क्या हो, मार्केट में सेल आउट हो जाए। उसके बाद आता है कि उसको बेचेगा कौन, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हो। जब आप क्या करते हो अपने प्रोडक्ट को प्लानिंग कर लेते हो, डिज़ाइन कर लेते हो, उसके बाद स्टाफिंग जो हो जाती है आपके पास उसको क्या करते हो, एक टीम लीडर तैयार करते हो, उसको क्या करते हो लीडर को डायरेक्शन देते हो कि इसको इस मार्केट में बेचना है या इसको किस जगह पर डिमांड है वहाँ पर इसको लेके जाना है। और लास्ट में अल्टीमेटली उसी पूरी प्रोसेस में मार्केटिंग की जो पूरी प्रोसेस चल रही होती है उसको कहीं ना कहीं कोई एक हेड होता है जिसको बोलते हैं मार्केटिंग हेड, वो क्या करता है इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस पर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो उसका मैसेज पॉजिटिव या नेगेटिव है वो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस हेड की हमको ज़रूरत है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है उस सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जो डायरेक्ट कस्टमर तक ही पहुंचाती है। क्यों, क्योंकि हम पहले भी स्लाइड में देख चुके हैं कि उसमें बताया गया है कि सारा का सारा क्या है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी इफेक्ट करता है, इसीलिए इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। ये होती है मैनेजमेंट की प्रोसेस। मैनेजमेंट जो प्रोसेस में ये सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की बात करते हो, सर्विसेज की डिज़ाइनिंग की बात करते हो और फिर उसको कस्टमर तक पहुंचाने की बात करते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग के, मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नेचर से बिल्कुल रिलेट करते हैं, जैसा इसका नेचर है इसीलिए इसके वैसे ही इसके क्या होते हैं इम्पोर्टेंस होते हैं। ये क्या है आपको एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर आप क्या करते हो अपनी सर्विसेज और गुड्स को एक्सचेंज करते हो, ये मार्केटिंग एक्टिविटी बोल सकते हैं उसको, या फिर हम मार्केटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, इसका नेचर बोलते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम बायर और सेलर के बीच में क्या करते हैं गुड्स प्लस सर्विसेज को हम क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। मार्केटिंग इंक्रीज करता है मार्केट बेस को, मार्केटिंग एनालिसिस से जो हमारा रिसर्च वर्क होता है उससे क्या पता चलता है हमको कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, तो ये क्या करता है हमको हमारे मार्केट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद क्या है, ये बूस्ट एक्टिविटी है। मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी बूस्ट एक्टिविटी है जो क्या होती है डे टू डे इंक्रीज होती रहती है, या फिर हमको एक टारगेट बेस पे काम करने के लिए आपको एनर्जेटिक भी बनाती है कि इतना टारगेट आप अचीव करोगे, इतना सेल करोगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे, क्योंकि मार्केटिंग के बिना आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाओगे या डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए क्या है एक बूस्ट एक्टिविटी भी है। मार्केटिंग रेज द स्टैंडर्ड द लिविंग ऑफ द पीपल, जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है कस्टमर की
इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया जाता है, तो उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड में आता है उसका लिविंग एरिया, परचेसिंग कैपेसिटी और ड्रेसिंग सेंस, उसका उसका रहन सहन, उसका खान पीन जो आता है वो उसका आता है लिविंग स्टैंडर्ड एरियाज में। तो वो भी क्या होता है, मार्केटिंग के वजह से आपको पता चलता है, और मार्केटिंग के बाद आपको क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को एज पर द डिमांड आप क्या करते हो, डिज़ाइन भी करते हो। मार्केटिंग प्रोवाइड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वॉन्ट्स। मार्केटिंग क्या है, डायरेक्टली कस्टमर से रिलेट होता है, तो जो उसकी नीड्स है उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी करता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या किया है, कस्टमर ने ही अपनी डिमांड जनरेट करी है कि इस टाइम पर मुझे इस प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और कंपनी ने वही प्रोडक्ट मुझे बनाया है, और मार्केटिंग के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचा भी है, इसीलिए वो क्या होता है, उसको सेटिस्फाई भी करता है। मार्केटिंग क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। मार्केटिंग क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, कहाँ पर, मार्केट में। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ मैनेजमेंट में, कि जब हम स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफिंग में क्या होता है, यही चीज़ों को हम क्या ध्यान में रखते हैं कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे लेके जाना है, प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे निकालना है, और उसका प्रॉफिट भी हमको निकाल के फिर देना है। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हमको क्या होती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब क्रिएशन या जॉब अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग क्रिएट्स द स्टेबल इकोनॉमी। मार्केटिंग से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होती है। कैसे, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम क्या होते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट पे क्या करते हैं, प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करती है। क्यों? मार्केटिंग से हमको दो चीज़ें पता चलती हैं, MRP और एक पता चलती है हमको MSP। अब मार्केटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि MRP से ज़्यादा पे सामान बेच नहीं सकते हैं, और MSP से कम पे हम अपने सामान को, प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं सकते। MRP से ज़्यादा इसलिए नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमको वो डिसाइड कर दिया हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमी की तरफ से कि आप MRP से ज़्यादा पे उसको नहीं बेचोगे, अदरवाइज वो क्या होगा, फिर कस्टमर की जेब पर असर पड़ेगा। MSP से इसलिए ज़्यादा नहीं, कम पे नहीं बेच सकते हो क्योंकि आपका ये इसमें प्रोडक्ट लागत प्लस प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए आप इससे कम पे नहीं बेच सकते। मार्केटिंग मिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होता है आपका, जब आप किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने की सोचते हो, मार्केट में उतरने की सोचते हो, तो सबसे पहले कुछ आपको मार्केटिंग मिक्स को उन्होंने 4 P's में कन्वर्ट किया हुआ है, कि आप 4 P's हैं जो मार्केटिंग के, उनको आप समझ लो, तो क्या होता है, आपको मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं कि आप मार्केट में उतरने से पहले क्या होते हैं, उनको समझ लेते हो तो आपको क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट वो चीज़ है जो क्या करी है, कस्टमर ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी डिमांड को बताया है, या उसकी नीड यही है। प्रोडक्ट ऐसी वस्तु है जिसको कस्टमर ने अपनी डिमांड या अपनी ज़रूरत के लिए मार्केट में बताया है। इसका एनालिसिस हमने पहले किया हुआ है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या सर्विसेज की, वही क्या करी है, हमको कस्टमर ने बताई है। जब हमको पता होगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हम उसी प्रोडक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, अपने वस्तु को डिज़ाइन करेंगे सर्विसेज में और मार्केट में उतारेंगे। अब चूंकि जब आपको पता चल गया है पहला पी कि आपको मार्केट में उतारने के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अब सेकंड आप बात करते हो कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में हम बेचेंगे कितने में। सेकंड उसको कि मार्केट में उसको प्राइस क्या है, उसको बेचेंगे कितने में, मतलब यहाँ पर कस्टमर की परचेसिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने तक इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए तैयार करना पड़ेगा। सेकंड आता है प्लेस। अब चूंकि आपको पता है आपके पास प्रोडक्ट है, आपको एक फिक्स प्राइस भी पता चल गई है आपके प्रोडक्ट की आफ्टर द डेवलपमेंट, आफ्टर द प्रोडक्शन, अब आपका आता है क्वेश्चन कि आप उसको बेचोगे कहाँ। वो आपको एक सुटेबल मार्केट ढूंढना है जहाँ पर कस्टमर क्या कर रहा है, अपनी डिमांड और नीड को जनरेट कर रहा है।
जहाँ पर वो बता रहा है कि मुझे यहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिमांड, तो वो आपको प्लेस आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से क्या करोगे, उस कस्टमर के मार्केट तक पहुँचा दोगे। ये एक मार्केटिंग मिक्स से आपका पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, उसकी प्राइस सेट करो, उसके बाद उसको प्लेस देखो, और उसके बाद कुछ एक ऐसे मीडियम भी यूज़ करो जो क्या करें आपके प्रोडक्शन के लिए, वो प्रमोशन में हेल्प करें। मीन्स ये लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे। इसको बोलते हैं समटाइम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के लोगों को बारे में जागरूकता मिलेगी। ये आते हैं आपके मार्केटिंग मिक्स के 4 P's। प्रोडक्ट इज द क्वालिटी, फीचर्स, डिजाइन, कलर, साइज, रेंज, डाइवर्सिफिकेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन्स, ब्रांडिंग। प्रोडक्ट क्या है, आपके उस वस्तु की क्वालिटी, आपके उस वस्तु की डिज़ाइन, आपके उस वस्तु की आइडेंटिफिकेशन बताता है जो आपने डिज़ाइन की है एज पर द कस्टमर। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल है, लक्स है, साबुन है, शैम्पू है, सबके अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है। उस कंपनी क्या करती है, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ब्रांड जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। ये आते हैं आपके प्रोडक्ट एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर। प्राइसिंग, डिजाइनिंग, आफ्टर द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट आपको एक प्राइस सेट करनी होती है कि कस्टमर की परचेसिंग कैपेसिटी कितनी है। जितनी परचेसिंग कैपेसिटी होगी आप उतना ही मार्केट में उतार पाओगे। अगर मार्केट में आप ज़्यादा प्राइसिंग के साथ उतारते हो और वहाँ पर अगर कस्टमर आपको नहीं मिलता है तो फिर क्या करोगे, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लॉस में चला जाएगा। फिर आता है प्लेस। प्लेस की मैं बात कर चुका हूँ। प्लेस एक ऐसी जगह है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो या जहाँ पर कस्टमर ने क्या की है, अपनी डिमांड्स या अपनी नीड्स को बताया है, वो होता है मार्केट। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन में आपका आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, इंप्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट एंड द प्रमोशन मिक्स। आपका आता है एडवर्टाइजमेंट, जो मैं आपको डिसाइड बता चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरीके की सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, पेपर से हो सकती है, सोशल मीडिया से हो सकती है, बैनर से हो सकती है या होर्डिंग्स के थ्रू हो सकती है, माउथ टू माउथ भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स को प्रमोट कैसे करते हो, एक ऐसी टेक्निक्स होती है, इसके लिए आप क्या करते हो, समटाइम यू डिसाइड टू अ मार्केट कि आप वहाँ पर एग्जीबिशंस लगाओ, आप मॉल में करते हो, कैनोपी लगाते हो, होर्डिंग्स लगाते हो, उसके थ्रू भी आप क्या करते हो, अपने सेल्स प्रमोशन को बढ़ावा देते हो। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आता है कि जहाँ पर सेलर डायरेक्ट क्या होता है, कस्टमर तक पहुँचता है, जैसे डोर टू डोर हुआ। डोर टू डोर में क्या होता है, कस्टमर अपने साथ प्रोडक्ट लेके, कस्टमर अपने सेलर अपने साथ प्रोडक्ट लेके घूम लेता लेके चलता है और कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँचता है और वहाँ पर वो डोर टू डोर में समटाइम करता है क्या, सेलिंग। फिर आता है पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशन जो होती है वो होती है आपकी सेल्स प्रमोशन के थ्रू। जब आप माउथ टू माउथ करते हो, सेलिंग करते हो, तो आप में उसमें क्या होते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाते हैं। रिलेशनशिप बिल्डअप होने से क्या होती है, आपकी जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है ना, वो ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती है या आगे बढ़ती रहती है। अब कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पहले कैसे मार्केटिंग होती थी और नाउ डेज में क्या चेंजेस आए हैं मार्केटिंग के, तो ये होता है ओरिएंटेशन। किस बेस पे, कि आपका उसकी सोच क्या थी, उसको कैसे बढ़ाना था। ओरिएंटेशन में आप आया था कि ये क्या होती थी, ये प्रोडक्शंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था जो पहले चलती थी ट्रेडिशनल्स में। अब जो आया है वो क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेशन है। मतलब इनका कॉन्सेप्ट ये था कि इनको क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है और मार्केट में बेचना है। लेकिन नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, उसमें इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर को उन्होंने फोकस किया है कि कस्टमर क्या है, कस्टमर की एक्चुअली डिमांड है क्या, उसको उन्होंने देखा है। सेकेंड आया स्कोप। स्कोप में उन्होंने ये देखा कि इसका जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत नैरो था, क्योंकि अब क्या है, हमने कस्टमर को ध्यान में रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, वाइड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कस्टमर की बात करते हैं तो देयर आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप, जिसमें हमारा चाइल्ड आता है, हमारा स्टूडेंट आता है, हमारा एक फैमिली एज ग्रुप आता है, और एक आता है हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप। तो सीनियर सिटीजन ग्रुप आता है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो रेंज है ये बहुत वाइड हो जाती है। अब हमको प्रोडक्ट क्या है, एज पर द एज ग्रुप भी हमको क्या करना होता है, मार्केट में उतारना होता है या डिजाइन करना होता है। पर्पस क्या था, जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था, इसका पर्पस था कि ये जो करते थे, इनका कॉन्सेप्ट था अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द मोर प्रोडक्शन एंड द हायर सेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और अपने प्रॉफिट को क्या करना, बढ़ाना होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज करके इस कॉन्सेप्ट में किया है, अर्निंग द प्रॉफिट थ्रू द इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। को
प्रॉफिट को तो बढ़ाना है, लेकिन क्या करना है उनको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्या है, हम लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट अब डिज़ाइन किया है वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से या उसकी नीड के हिसाब से जनरेट किया है, इसलिए अगर वो सेटिस्फाई होगा तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा और मार्केट में चलता रहेगा। अगर हम सेल्स पे या हम खाली प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट में नीचे चला जाएगा, और चूंकि क्या होगा अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फिर आता है फोकस। इनका फोकस क्या था, ओरिएंटेड जो था वो सेल्स पे था, इनका जो था वो था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में क्या है, देयर आर अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर जो क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सैमसंग की बात करूँ, यहाँ मैं नोकिया की बात करूँ, तो यहाँ पर सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं और यहाँ पर नोकिया के बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग। अब दोनों अपने क्या करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे अगर फोकस कर रहे हैं तो दोनों की दोनों क्या है, एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बनी हुई। अगर ये खाली प्रॉफिट पे फोकस करेंगे तो ना हम सैमसंग को जानेंगे, हम नोकिया को जानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट से क्या करेंगे, ये लोग एग्जिट हो जाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो जो पहले था इनका कोई वर्क प्लेस नहीं था तो इनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनका अल्टीमेटली गोल क्या था, प्रॉफिट। ये लोग जो काम कर रहे थे, जो पहला मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ किस पे था, प्रॉफिट पे था, इसलिए इनका कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं था। चूंकि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे था तो इनके पास सोसाइटी भी थी और इनके पास क्या है, एक बहुत बड़े लेवल पर क्या है, एक सोशल गैदरिंग भी है और एक मार्केट भी है। चूंकि यहाँ पर क्या है, इन्होंने तजुर्बा दी है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, इसलिए इनके पास बहुत बड़ा मार्केट है या बहुत बड़ी सोसाइटी है कस्टमर की। फिर आते हैं कंज्यूमर वेलफेयर पे, तो इन्होंने ये बात किया कि देयर इज अ नो प्लेस टू द कंज्यूमर वेलफेयर। चूंकि ये बात कर रहे हैं ना, जो मॉडर्न मार्केट है ये बात कर रहा है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है और कंज्यूमर वेलफेयर भी है, क्योंकि क्या यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई भी है। यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा जब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सर्विसेज देंगे कि एक कस्टमर कॉल सेंटर है, कस्टमर केयर सर्विसेज है और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी है, जो क्या करता है सम ऑन द प्रोडक्ट बेसिस आपको क्या करता है, रीच आउट करता है और आपके प्रोडक्ट की जानकारी को भी क्या करता है, लेता रहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसमें कोई सुधार की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, आता है प्रिंसिपल्स। इसका जो प्रिंसिपल है, इट्स फॉलो द प्रिंसिपल फॉर द सेलर अवेयरनेस। इनका था ये प्रिंसिपल ऑफ बायर अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं होने की वजह से ये कस्टमर को ध्यान में रखते हैं, तो बायर अवेयरनेस को फैलाते हैं कि उन लोगों से प्रोडक्ट को ना खरीदें जिसके साथ धोखाधड़ी का भी केस हो सकता है। जेन्युइन प्रोडक्ट को खरीदें और जेन्युइन कंपनी से ही खरीदें, जो एक ब्रांड इमेज रखती हो या एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ मार्केट में प्रोडक्ट को बेचती हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्केटिंग फिलॉसफीज की। यहाँ पर क्या है, कुछ एक फिलॉसफीज हैं जो मार्केटिंग में चलती हैं, जिसके एक हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है और सोशल कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं और सबके बारे में एक अलग ही यूनिट और अलग चैप्टर बनते हैं। सबके बारे में पढ़ने के लिए अपने पास बहुत बड़ा सिलेबस है, चूंकि इसके बारे में हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे या नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।